होम्योपैथी को समझने के लिए बहुत कुछ और समझना पड़ता है। वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, एलोपैथी के जो मुरीद हैं उनकी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कचरे को समंदर नजर आए कैसे। दरअसल होम्योपैथी एक समंदर है, एक बहुत बड़ा समंदर है। होम्योपैथी को थोड़ा समझना पड़ता है, यह अकेली दवाई है जिसे समझना पड़ता है थोड़ा सा। अगर आप होम्योपैथी को समझते नहीं हैं तो होम्योपैथी असर तो करती है लेकिन मुझे लगता है थोड़ी धीमी धीमी असर करती है, और अगर आप समझ जाते हैं इसे तो इससे इंस्टेंट तो कोई दवा है ही नहीं। एलोपैथी भी इतनी इंस्टेंट काम नहीं कर सकती जैसे होम्योपैथी काम करती है। एक कहानी है, बहुत सारे लोग यहाँ हमारे मुस्लिम बंधु होंगे, हो सकता है कुछ ईसाई होंगे तो पता होगी, लेकिन हिंदू जो लोग हैं उनको कम पता होगी। अब्राहम एक नाम है पूरी दुनिया में, खासतौर पे भारत के बाहर जो एक व्यापक धर्म है, विस्तार जिसने लिया, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, इन तीनों के केंद्र में, इनकी शुरुआत में जो एक नाम आता है इसके पैगंबर का, उसका नाम है अब्राहम। अब्राहम की कहानी की खूबसूरती ये है कि अब्राहम एक बहुत बड़े बुत तराश और बुत परस्त परिवार में पैदा हुए, एक ऐसे परिवार में जहाँ न केवल बुतों की पूजा की जाती थी बल्कि बहुत ही खूबसूरत बुत तराशे जाते थे। अब्राहम छोटे थे और वो भी ऐसा समझते थे कि इन बुतों के अंदर खुदा है। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई बुत गिर गई, अब्राहम लगातार कहते रहे उठ जा उठ जा उठ जा, और वो बुत खड़ी नहीं हुई। अब्राहम ने सारी बुतें तोड़ दी और तलाश करनी शुरू कर दी कि दरअसल वो खुदा है कहाँ जो बुतों को खड़ा कर सकता है, जिंदा कर सकता है, उसमें जिंदगी दे सकता है। यकीनन ये बुत नहीं है, ये चांद नहीं है, ये सितारे नहीं हैं, ये आफ्ताब नहीं है। और आखिरकार वो एक नूर तक पहुंच गए, एक रोशनी तक पहुंच गए कि हाँ वो खुदा है जिसकी वजह से सूरज चमकता है, जिसकी वजह से चांद चमकता है, जिसकी वजह से सितारे चमकते हैं। और वो जो एक बुत परस्त और बुत तराश परिवार में, मूर्तियां बनाने वाले परिवार में पैदा हुआ जो बच्चा था, वो मूर्तियों के खिलाफ एक धर्म शुरू करता है, बुतों के खिलाफ, बुत परस्ती के खिलाफ खड़ा होता है और इस दुनिया को उस ताकत से जोड़ता है जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन पूरी दुनिया को चलाती है, ऑपरेट करती है, उसे बनाती भी है बिगाड़ती भी है। कुछ ऐसा ही हुआ एक और बच्चे के साथ जो पढ़ाई करता है एलोपैथी में, पढ़ करके आता है एलोपैथी और एक एलोपैथी का बड़ा डॉक्टर बनता है। लेकिन एक रोज मलेरिया का इलाज करते करते उसे ऐसा पता लगता है कि ये जो कुनैन की गोली जो मलेरिया में इस्तेमाल की जा रही है, अगर इसे हम बिना बीमार व्यक्ति जिसको मलेरिया नहीं हुआ है अगर उसे हम कुनैन खिला देते हैं तो उसके अंदर मलेरिया के लक्षण उभरने लगते हैं। उसने सोचा क्यों ना मैं इसे खा करके देखूं, और उसने अपने शरीर पर उसका प्रयोग शुरू किया। उसने कुछ दिन कुनैन खाई, वो जब कुनैन खाता तो उसे मलेरिया के लक्षण आने लगते, फिर उसको खाता और कुछ दिन बाद ठीक हो जाते। तो इस तरह धीरे 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 उसने दूसरी दवाइयां भी जो एलोपैथी में इस्तेमाल होती थी बीमारियों में, उसका यूज अपने ऊपर करना शुरू किया। और एक दिन वो इस परिणाम पर आया कि हम जिस बीमारी से ग्रस्त होते, जिस कारण से हम बीमार पड़ते हैं, अगर उसी कारण को आपके शरीर में दोबारा ला दिया जाए एक सर्टेन पोटेंसी के साथ, ताकत के साथ, तो वही उस बीमारी को समाप्त कर देगा। और वो व्यक्ति है सैमुअल हिनमैन, एक एलोपैथी का डॉक्टर। जैसे इब्राहिम के लिए मैंने कहा बुत परस्ती से निकल कर करके वो एक ऐसी दुनिया तक पहुंचते हैं जहां अदृश्य ताकत हमें ठीक करती है, चलाती है, जलाती है, ठीक वैसे हिनमैन एलोपैथी की दुनिया में बड़े होते हैं लेकिन उसे छोड़ते हैं और एक नई पैथी, बिल्कुल नई पैथी पैदा करते हैं होम्योपैथी, जिसका मतलब है जो रोग तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारा इलाज है। दरअसल होता भी यही है, जो तुम्हारी बीमारी है वही तुम्हारा इलाज होती है। भारतीय शास्त्रों में कहते हैं कि जो तुम्हारी कमजोरी है वही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ को जानना चाहते हो, स्ट्रेंथ ढूंढना शायद मुश्किल होता है, तो तुम अपनी कमजोरी को ढूंढ लो, वो तो हमेशा चित्कार करके बताती कि मैं यहां हूं। अगर तुम अपनी कमजोरी को खोज लेते हो तो तुम अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को खोज लेते हो। अगर किसी आशिक की कमजोरी है उसके दिल में बसी मोहब्बत,
तो वही उसकी मजबूती भी है। आप मजनू को याद ही नहीं करते अगर वो दीवाना नहीं हुआ होता, कोई रीजन नहीं था उसे याद करने का। आपके दिल में, आपके जहन में जो चीज कमजोरी है, मैं खली साहब के साथ, आप सामने आपके बैठे हैं खली साहब, ये जो आप लंबी कदकाठी देख रहे हैं, जो इनका शरीर का बल देख रहा है, ये किसी स्तर पे कमजोरी भी सिद्ध हो सकती थी, लेकिन खली साहब ने उसे स्ट्रेंथ में बदल दिया और आज दुनिया के अंदर एक अचंभा है, एक अचरज है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को आप देख रहे हैं, यकीनन वो राजेंद्र कुमार जैसे नहीं दिखाई देते, यूसुफ खान साहब नहीं दिखाई देते हैं, राजेश खन्ना नहीं दिखाई, जब ये आए उस समय तो एक से एक चमकदार और चॉकलेटी चेहरे, जो कि डॉक्टर साहब बनाते हैं चमकदार, ग्लोइंग फेसेस, यू नो, वो वाले चेहरे तब चमक रहे थे। ऋतिक रोशन, रणबीर का, कैसे कैसे नाम थे सारे के सारे। उसके बीच में अचानक एक लड़का आता है और वो भी बिल्कुल देहाती लुक में, 80 के दशक के कपड़े पहने हुए, और वो झील के किनारे बैठ करके आई लव यू भी बोलने की एक नई अदा से आई लव यू कहता है अपनी हीरोइन को, और देश पागल हो जाता है। यू नो, दिस इज, जिसको आप वीकनेस कह रहे थे वो स्ट्रेंथ है। मैं ये बता रहा हूं कि होम्योपैथी जिस सूत्र पर काम करती है उस सूत्र के जिंदा सबूत अभी आपके सामने बैठे हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर है होम्योपैथी के। ये होम्योपैथी लेते हैं या नहीं लेते हैं ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये वो सूत्र समझते हैं कि जो तुम्हारा वीकनेस है, जो तुम्हारी कमजोरी है, वही तुम्हारा बल बनेगा। भारत में पूरी प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना गया है, तीन महत्वपूर्ण गुणों से प्रकृति बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये भारत की नितांत अपनी खोज है। पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी मजहब है, जितनी भी सोच है, उन सब में एक ईश्वर है, फिर उसकी ताकत है, और उससे फिर ये कायनात चलती है। लेकिन भारत ने थोड़ा ज्यादा छिद्रान्वेषण किया है, छोटी छोटी चीजों को खोजा है, और उसने ये पाया, जैसा भगवान ने गीता में उद्घोष करते हुए कहा कि ये संपूर्ण प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ये तीन गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मैं भारतीय दर्शन को जब समझने लगा तो मैंने ये बात जानी कि दरअसल जीवन में जितने भी प्रश्न होते हैं, अगर तुम उसका उत्तर अपनी मानवीय बुद्धि से खोजोगे तो वो हमेशा तीन उत्तरों में तुम्हें मिलेगा, हमेशा, वो एक नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य के पास किसी भी समस्या से निकलने के तीन समाधान आते हैं उसके सामने, हमेशा तीन आते हैं। एक, उसके नकारात्मक तरफ, यानी उस घटना को स्वीकार कर ले, दूसरा उसके विरुद्ध चला जाए, और तीसरा तटस्थ हो जाए, दोनों के मध्य हो जाए। दरअसल हमारे यहां कहते हैं जो देवता हैं वो सतोगुणी होते हैं, जो दैत्य हैं वो तमोगुणी होते हैं, और जो मनुष्य हैं वो रजोगुणी होते हैं। इत्तफाक से हमारे पास तीन और भी ज्ञान की विधाएं हैं, एक है मंत्र की विधा, एक है यंत्र की विधा, और एक है तंत्र की विधा। जो तमोगुणी है उसके लिए तंत्र की विधा, जो रजोगुणी है उसके लिए यंत्र की विधा, और जो सतोगुणी है उसके लिए मंत्र की विधा। अब चिकित्सा में अगर मैं आकर इसे बोलूंगा तो मंत्र की जो विधा है, जो सतोगुण की व्यवस्था है, वो है आयुर्वेद की व्यवस्था। इसलिए आयुर्वेद का जो शिखर काल है वो आप कब देखते हैं, जब संसार में ज्यादा से ज्यादा सात्विक लोग हैं, क्योंकि आयुर्वेद आप पे काम ही तब करेगा जब उसका पथ्य हो। अगर आप उसके पथ्य के साथ नहीं चल रहे हैं, उसके नियम और नीति और अनुशासन के साथ नहीं चल रहे हैं, तो वो समस्या बन जाती है। योग के साथ भी यही होता है। सत्वगुणी, अगर आपकी सत्वगुणी प्रवृत्ति है, अगर आप में तपस्या है, तपोबल है, तो आपके लिए आयुर्वेद से अच्छा कोई इलाज नहीं है। मैं समझता हूं इस बात को। और यदि आपकी तामसिक वृत्ति है, पूरी तरह से आताताई वृत्तियां हैं, आप नशे में गिरे पड़े हैं, आपके जीवन में कोई ऊर्जा नहीं है, उत्साह नहीं है, ऐसे में आपको एलोपैथी या तंत्र की व्यवस्था काम करती है। लेकिन अगर आप मानवीय गुणों से भरे पड़े हैं, जहां पर थोड़े, ना मैं भगवान हूं ना मैं शैतान हूं, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूं, अगर आप इस वाले मध्यम मार्ग पर खड़े हैं, बीच में कहीं खड़े हैं, तो आप रजोगुणी हो जाते। उसके लिए यंत्र की प्रक्रिया है, और मैं होम्योपैथी को यंत्र की तरह देखता हूं। अगर आप में से किसी ने यंत्र को देखा होगा,
और यंत्र इत्तफाक से इस्लाम में भी है, आपके यहां भी है, ईसाइयों में भी है, सिखों में भी, सब पे है। दम फूक करके मौलाना साहब कुछ एक हर्फ लिखते हैं और एक क्रॉस बनाते हैं, कागज में देते हैं और एक ताबीज में भर देते, भूत भाग जाता है, इनफैक्ट भाग जाता है, आप मानो ना मानो। ऐसा ही पंडित जी भी करते हैं, एक यंत्र लिखते हैं, कुछ कारखाने बनाते, कुछ नंबर्स लगाते, और एक ही तरह का यंत्र कई 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 समस्याओं को दूर करता रहता है। ठीक यही सारे गुण होम्योपैथी में होते हैं। अगर आप होम्योपैथी की मेडिसिन को लेकर के लेबोरेटरी में चले जाइए और आपको कहा गया इसमें आर्सेनिक आपको दी गई है, आर्सेनिक मिलेगी नहीं, आपको लेबोरेटरी के अंदर आर्सेनिक ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, आपको आर्सेनिक का एक कतरा नहीं मिलेगा। मगर मजा यह है कि आर्सेनिक की जो ताकत है वो उस जरा सी मीठी गोली के साथ आपके अंदर उतर जाएगी और फिर वो आपको वही सारे फायदे देगी जो आर्सेनिक को उस वक्त देना है। ठीक इसी तरह से आपको जो है बेलाडोना अगर आप ले रहे हैं या कैलेंडुला ले रहे हैं या टेरेंटुला ले रहे हैं आप, तो टेरेंटुला की जहर का जहर नहीं आपको दिया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर से जो तत्व निकलेगा वो आप पर काम करेगा। अच्छा जी, ये काम कैसे करता है? कैसे एक पानी की बोतल, आपको पता है यूरोप और अमेरिका में, जहां से जिस यूरोप से निकल करके जर्मनी से ये हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में ये दवा फैल गई, बड़े से बड़े देश जर्मनी को छोड़ दें तो ज्यादातर होम्योपैथी को प्लेसिबो कहते हैं। वो कहते ही नहीं कि जी ये कोई मेडिसिन है, वो कहते हैं बस आपका ख्याल है और आपको ठीक करे। एक बार मुझे किसी ने जेएनयू में कहा था कि ये तो प्लेसिबो है गुरुजी, इसको खाने से क्या फायदा, ठीक तो हो जाते पर दवा तो नहीं होती। मैंने कहा तुम्हें ठीक होने से मतलब है या ये जानने से मतलब है ये प्लेसिबो है या इसके अंदर मेडिसिन थी? मतलब हमें ये इस तरह से हमें कंज्यूमरिज्म का जो मार्केट है ये जो हमको इस तरह से इसने मोटिवेट किया है कि हमको दवा में दवा चाहिए, हमें ठीक होने से मतलब नहीं है, हमको दवा में दवा चाहिए। व्हाट इज दिस? हमें ठीक होने से मतलब है। और यहां पर मैं इसलिए सवाल कह रहा हूं क्योंकि आप में से ज्यादातर मुझसे ज्यादा विद्वान है इस विषय में, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बताने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं कि ये सवाल होता है कि जब दवा है ही नहीं उसके अंदर, और इसलिए अमेरिका ने इसको प्लेसिबो कहा क्योंकि इसमें मेडिसिन मिली ही नहीं, उन्होंने कहा जब कोई तत्व इसके अंदर है ही नहीं तो हम इसको दवा कैसे मान लें। दरअसल जब आप भारतीय, और ये समय जब हिनमैन आ रहे हैं तब तक मैं एक बात जरूर कोट करूंगा कि जर्मनी के अंदर तब तक उपनिषद और भारतीय पुराणों और वेद का प्रचार होना शुरू हो चुका था। मैक्स मुलर, शोपेनहावर सभी धीरे धीरे आ चुके थे भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ, और पूरा यूरोप उससे चमत्कृत हो रहा था। हिनमैन उससे चमत्कृत नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, एक ऐसा खोजी व्यक्ति तो जरूर चमत्कृत होना चाहिए। और भारत के पास बहुत कुछ है, सैद्धांतिक रूप से तो बहुत कुछ है, शायद इसका इंप्लीमेंट ना हुआ हो लेकिन सैद्धांतिक रूप से बहुत कुछ है। लेकिन भारत ने कवियों का एक पूरा एक समूह पैदा किया, पूरी दुनिया में इतने कवि नहीं पैदा हुए जितने कि भारत में कवि पैदा। दरअसल पहले ऋषि होने की शर्त होती थी तुम्हारा कवि होना, इसलिए आप सबको, डॉक्टर साहब सबको पता होना चाहिए कि भारत में वैद्य को कविराज भी बुलाते हैं, क्योंकि एक वैद्य को तीन गुणों से युक्त होना चाहिए था, उसको दार्शनिक होना चाहिए था, उसको ज्योतिषी होना चाहिए था, उसको औषध ज्ञान होना चाहिए था। अगर आप होम्योपैथी की परंपरा को समझते हैं तो हिनमैन ने भी इन तीनों शर्तों को रखा है, और हिनमैन की किताब इन तीनों चीजों का जखीरा है। वो ज्योतिष का ग्रंथ भी है, वो एक दार्शनिक ग्रंथ भी है, और साथ साथ उसमें औषधि भी है। अगर एक होम्योपैथी का डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर है तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है अपने मरीज को ट्रीट करना, क्योंकि होम्योपैथी चरित्र का इलाज करती है, वो किसी बीमारी का इलाज नहीं करती है। एक होम्योपैथी का डॉक्टर मनोवैज्ञानिक होता है। एक होम्योपैथी का डॉक्टर आपको सिर्फ बातों से ठीक कर सकता है, सिर्फ बातों से ठीक कर सकता है, यह प्रामाणिक रूप से सत्य है। क्योंकि एक अंग्रेजी की कहावत है जो ये कहती है कि तुम्हारी आधी तकलीफ सिर्फ तब ठीक हो सकती है अगर कोई तुम्हारी बात ठीक से सुन ले, और होम्योपैथी में गुण होती है, वो आपको सुनता है। आप बताते हैं कि मुझे जमीन से उड़ती हुई एक मछली दिखाई दे रही है आसमान की तरफ, डॉक्टर कहता है बिल्कुल दिखाई दे रही है, और बताओ मछली ऊपर जाके किसे खा रही है, दूसरी मछली उसे मिल रही है, यू नो, ये एक कंफर्ट जोन क्रिएट करता है। तो सवाल ये है कि होम्योपैथी काम कैसे करती है? तो भारत में एक सूत्र है कि पांच तत्व से ये संसार बना है, और पांचों के पांचों तत्व जीवित हैं। आकाश देवता है,
पृथ्वी देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है और वरुण यानी जल देवता है। उसमें भी अगर ऋग्वेद के अंदर सबसे अधिक प्रधान और शक्तिशाली कोई देवता बनकर के आता है तो वह है वरुण जल, क्योंकि भारतीय पुराण कहते हैं कि पानी को सब याद रहता है। इसलिए इत्तफाक नहीं है कि भारत के सारे तीर्थ जल के किनारे बनाए गए। तीर्थ का मतलब ही होता है जो बहते हुए जल के किनारे है, और होम्योपैथी इसी जल पर टिकी हुई है। इसे कहते हैं मेमोरी ऑफ वाटर। हैनमैन ने यह जाना कि पानी याद रख सकता है। अगर तुमने पानी के अंदर कोयला बुझा दिया है तो पानी को याद है कि उसमें कोयला बुझा है। अब उस एक बूंद पानी को तुम 10 लाख बूंद के साथ मिला दो, वो और ताकत से चिल्ला करके कहेगा कि हां इसमें कोयला बुझा हुआ है। जब तुम कोई आधुनिक दवा लेते हो तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा विष दिया जाता है तुम्हारे ठीक होने के लिए, और कहते हैं ये हैवी डोज है। अगर आप 1600 mg की दवा खा रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जहर है। लेकिन होम्योपैथी ठीक उलट करके चलती है, वो जितना कम करती जाएगी अपने जहर को उसकी पोटेंसी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, उतनी हाई होती जाती है। एक नॉर्मल होम्योपैथी का नौसिखिया डॉक्टर आपको 30 नंबर और 200 नंबर की दवाई देता है, लेकिन एक जो सॉलिड डॉक्टर होता है पहली बार में 1 mm आपके जबान पर डाल देता है, कहता है जॉब 6-7 साल के लिए मजे काटो। ये चमत्कार है होम्योपैथी का, ये जादू है होम्योपैथी का कि ये मेमोरी ऑफ वाटर पे काम करती है, पानी को याद रहता है। और इत्तफाक से नवाजुद्दीन साहब मेरे खिलाफ होंगे लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि खाक से आप नहीं बने हैं, आप बेसिकली पानी से बने हैं। ये मेडिकल फैक्ट है कि आप पानी से बने हैं, आपके निर्माण में पानी की सबसे बड़ी भूमिका है। और होम्योपैथी की खासियत यह है कि वो आपको ठीक उसी तत्व से ठीक करना चाहती जो प्रधान तत्व आपके शरीर में चल रहा होता है। पानी की इस अहमियत को रहीम दास बहुत पहले समझ के कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबको निसंदेह जिस पथ पर चल रहे हैं उस पर चलना चाहिए, और भारत सरकार को भी मैं ये अपील करूँगा, मंत्री जी चले गए लेकिन उनके मित्र यहाँ पर हैं, मैं कहूँगा कि कैदियों के यहाँ किरण बेदी ने योग और साज सज्जा और इन सब चीज़ों का प्रवेश कराया तिहाड़ जेल में। यदि सरकार भारत के सभी जेलों में होम्योपैथी के डॉक्टर्स नियुक्त करें और क्लासिकल होम्योपैथी अगर शुरू करें तो यकीनन मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैदियों को समय से पहले उसे बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि वो परफेक्ट इंसान बन चुके होंगे। अगर ये आर्मी में अपने आप कंपल्सरी करे तो सेना को बहुत मदद मिलेगी कई तरह के स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर। यहाँ तक कि एंटी नेशनल लोगों को भी अगर होम्योपैथी के 2-4 डोज खिला दिए जाए तो शायद नेशनलिस्ट हो जाए, ऐसी भी कोई दवा आप लोग खोजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।